नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एंड प्लंबर। दोस्तों हम जब भी जगह निकालते हैं तो हमारे पास ग्राइंडर इस तरह का होना चाहिए। दोस्तों इसमें ये जो ग्राइंडर है ये 5 इंच का ब्लेड इसमें आसानी से आता है। काफी जगह आपने देखा है कि 4 इंच में लोग 5 इंच का ग्राइंडर ब्लेड लगाते हैं, ये 5 इंच का ब्लेड वाली साइज का है। और दोस्तों इसमें ये जो आपका सेफ्टी है ये जरूर है, क्योंकि दोस्तों अगर ब्लेड टूटता है तो यही अपना सेफ्टी इस तरह से निकालते हैं। ब्लेड टूट के आगे की साइड में सीजेगा, पीछे की साइड में नहीं आएगा, तो इससे हम सेफ हो सकते हैं। अनहोनी जो होती है ग्राइंडर चलाते समय उनसे भी अच्छी तरह से बच सकते हैं, तो आप ये सेफ्टी जरूर लगाएं। दोस्तों ये बहुत ही हल्का ग्राइंडर है, इसे सिंगल हाथ से, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमें सिंगल हाथ से भी चलाना पड़ता है तो सिंगल से भी चला सकते हैं, तो ये काफ़ी हल्का है। तो इस तरह का ग्राइंडर यूज करें। और दोस्तों सबसे बढ़िया आपकी इस तरह की ये जो सेफ्टी है ये जरूर लगाएं। दूसरा दोस्तों हम ग्राइंडर जो जीरो होते हैं वो काफ़ी हम छेनी पीस होते हैं, तो छेनी थोड़ा आप कम यूज करें, आपका समय बच जाएगा। और इस तरह का जो चिपकी मशीन है तो तोड़ने का होता है, उस तरह का मशीन यूज करें। इस तरह का ही बजे इसमें दोस्तों बिट डलने का होता है, छेनी इसका मुंह जो होता है वो छेनी की तरह होता है इस तरह से इससे जरिए सकते हैं। अपने जी निकाले और तोड़ के दिखाऊंगा आपको। दोस्तों इसका जो कॉस्ट है वो 4000 के लगभग है। मैंने जब खरीदा था तो उस टाइम की बात है, अब इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इससे हल्का जो मशीन था आपके बजट के हिसाब से हो मार्केट में इस तरह से गए। क्योंकि दोस्तों आप अगर काम है वो फास्ट करना चाहते हैं, अपने काम को गति देना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको औजार की जरूरत पड़ेगी। इस तरह तोड़ने के लिए मशीन का यूज करें। और आप इस तरह का ग्राइंडर लेके 5 इंच के ग्राइंडर में दोस्तों ब्लेड अच्छे अंदर तक चली जाती है, जरिए जल्दी टूट जाती है, तो आप 5 इंच का ग्राइंडर काम करें। और दोस्तों सेफ्टी जरूर लगें। अब दोस्तों हम यहाँ पे जरिए निकाल के यहाँ पे फिटिंग करूँगा, तो पूरा डिटेल से बताऊँगा कि पानी फिटिंग किस तरह से किया जाता है, और वीडियो के अंदर बने रहें। ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?